दलजीत कौर, जी हाँ, दलजीत कौर ने शालीन भानोट के बारे में बात की है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दलजीत कौर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जहां पे उन्होंने शालीन भानोट के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। दलजीत ने ये कहा, दलजीत से जब ये पूछा गया कि क्या शालीन से आपने बात की कि आपकी दूसरी शादी होगी और आप फिर केन्या चले जाओगे और इस बारे में, तो दलजीत ने कहा कि देखो, मैं जो सभी को बोलती आई हूँ, मैं वही शालीन को भी बोलूँगी मेरी जब भी शालीन से बात होगी। तो मैं शालीन को यही कहूँगी कि 6 घंटे का रास्ता है, जब भी मैं चाहूँ या कोई भी चाहे, मैं चाहूँ तो मैं केन्या से इंडिया आ सकती हूँ और कोई चाहे तो इंडिया से केन्या भी जा सकता है। 6 घंटे का रास्ता है। अगर आपके इंटेंशंस क्लियर हैं, अगर आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं मुंबई में रहूँ या केन्या में रहूँ। रही बात जेडन की, जो शालीन और दलजीत के बेटे हैं, कि रही बात जेडन की, अगर जेडन से मिलने के लिए शालीन केन्या आते हैं तो हम बहुत खुश होंगे। उन्होंने कहा कि निखिल भी इस बात को हमेशा कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि शालीन से हमारी एक बार मुलाकात हो जाए, क्योंकि शालीन को भी ये जानने का पूरा राइट है कि उनका बेटा एक सेफ़ एनवायरनमेंट में है, एक सेफ़ लोगों के साथ है, अच्छे माहौल में वो पल रहा है, बढ़ रहा है, और ये शालीन का पूरा हक है कि शालीन इस बात को जाने। और दलजीत ने ये भी कहा कि निखिल बहुत दिल से चाहते हैं कि वो शालीन से एक बार मिले और शालीन को सारी बातें पता होनी चाहिए। दलजीत ने ये भी कहा कि मैं भी जब मुंबई आऊँगी, छुट्टियों में आऊँगी, तो मैं चाहती हूँ कि शालीन के साथ जेडन मिले, वो बहुत अच्छे से दोनों इन्वॉल्व रहें, साथ में रहें। और दलजीत ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये तो हमेशा से रहा है कि शालीन इस बात के लिए मना ही नहीं कर सकते कि मैंने कभी जेडन को शालीन से मिलने से मना किया हो, कि मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपने फादर को हमेशा साथ में देखे, साथ में रहे उसके। तो जब भी शालीन आके कहते हैं कि मुझे जेडन से मिलना है, तो मैं जेडन को लेके जाती हूँ और वो दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि हमारी प्रॉब्लम, यानी कि शालीन और दलजीत की प्रॉब्लम, जेडन को पता चले और जेडन को कहीं ये लगे कि उसके फादर ऐसे या वैसे। दलजीत ने इन सारी बातों से मना किया कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। वही जब दलजीत से ये पूछा गया कि आपने शालीन को बिग बॉस में सपोर्ट किया था तो इसके लिए बड़ा करेज चाहिए होता है, वो आपने कैसे किया, तो दलजीत ने कहा कि देखो, जो मेरे अंदर होता है वो मेरी मुंह पे होता है, तो मुझे अंदर से ऐसी वाइब आई कि यार, जो टॉप 5 लोग हैं वो डिज़र्व करते हैं, उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे कहने से कोई शालीन को वोट करता है तो क्यों नहीं मैं शालीन को सपोर्ट करूं। तो इसीलिए मैंने शालीन को सपोर्ट किया, और शालीन ने बहुत कुछ वहाँ पर देखा है और बहुत अच्छी जर्नी शेयर की है शालीन ने बिग बॉस के घर के अंदर। तो ये सारी बातें दलजीत ने बड़े दिल खोल के की हैं कि वो शालीन के साथ अभी उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है, बस वो एक बार चाहती हैं कि शालीन आए, जेडन से बात करें और जेडन से भी सारी चीज़ें पूछे कि जेडन क्या कैसा चल रहा है। और दलजीत ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि निखिल भी चाहते हैं कि वो शालीन से मिले और शालीन को बताएं कि आपका बेटा अच्छे एनवायरमेंट में है, जो अब हमारा बेटा बनने वाला है। तो ये सारी बातें की हैं। आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो, जो भी कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख के जाना, और चैनल पे अगर आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।